नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Verizon We Learn To Be Awesome। सो आज इस वीडियो में हम एक क्रिएटिंग YouTube थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो जिनको थंबनेल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, तो उनको मैं दिखा देता हूं कि आप यहां पर जो वीडियोस देख रहे हैं उनके जो पोस्टर्स हैं उन्हें थंबनेल कहते हैं। सो हमने आगे एक वीडियो और भी बनाया हुआ है जिनमें आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप का यूज़ करके आप कैसे ऐसे क्रिएटिंग थंबनेल्स बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन चेक। तो सबसे पहले आपको एक थंबनेल बनाने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है और प्लस उसमें फ़ोटोशॉप का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सो अगर क्या हो आपके पास ये सब ना हो, सो डोंट वरी, आप इसे फ़ोन के थ्रू भी बना सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो यहाँ पे आप एक थंबनेल देख सकते हैं, ये मैंने एक पिक्सआर्ट में बनाया है जो इसी वीडियो का थंबनेल है। तो आज हम पिक्सआर्ट में ये थंबनेल बनाना सीखेंगे। तो और ज़्यादा डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सिंपली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक कैनवास का ऑप्शन है, यहाँ पे हम पिक करते हैं। और यहाँ पे हमें YouTube थंबनेल की साइज़ को ध्यान में रख के हमें ये साइज़ लेनी होगी कैनवास की। तो इसकी साइज़ होगी 16:9। इसे सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ोटोशॉप जैसे ही हमें फीचर्स दिख रहे हैं जो कि है ब्रश, रबर, एलिमेंट्स। तो ये थंबनेल बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल YouTube का लोगो, फिर पिक्सआर्ट का लोगो और ये पिक्सआर्ट के फॉन्ट, ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि इनको आपको कोई भी क्रोम में से डाउनलोड कर देना है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमें एक एलिमेंट चाहिए जो कि है, और यहाँ पर आपको फिल चूज़ करना है। आप इसे बॉर्डर भी चूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर फिल चूज़ कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से कलर यहाँ पर ग्रे चूज़ कर रहा है और इसे ड्रॉ कर रहा है। आप इसे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, इसे एडजस्ट कर रहे हैं, ये एडजस्ट हो गया। तो अब जैसे यहाँ पे बॉटम राइट में एक ऑप्शन दिया गया है लेयर्स का, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे अलग अलग लेयर्स देख सकते हैं आप। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा कि वो अलग अलग लेयर में इंसर्ट करें। तो यहाँ पे जाके मैं एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेयर अलग है और ये लेयर अलग है। यहाँ पे बैकग्राउंड पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लेयर पे ही काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चाहिए YouTube का और पिक्सआर्ट का लोगो। सो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया इमेज। सो पहले आपको जिस लेयर पे इमेज इंसर्ट करनी है उस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ऐड करना है फोटो। तो आप देख सकते हैं ये आप YouTube का, और यहाँ पे आप क्रॉप भी कर सकते हैं कोई भी किसी भी साइज में। या फिर मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फिर मैं एक नई लेयर लूँगा और इसमें पिक्सआर्ट का लोगो इसकी ही साइज़ का यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लोगो सेट हो गए हैं। तो हमें सिर्फ अभी टेक्स्ट ही इंसर्ट करना है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपके ये दोनों लोगो सेट हो गए हों तो आप इन दोनों लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है और मर्ज पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों लोगो एक ही लेयर पर हैं। और आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। यहाँ पर अंडू और रीडू का भी ऑप्शन है, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग लेयर में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर टेक्स्ट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो मेरा सजेशन है कि आप इसे एडिट इमेज में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से सारे टेक्स्ट ऐड करें। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ क्रिएट, तो मैं इसे टाइप कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फीचर्स और टेक्स्ट इफेक्ट्स दिए गए हैं। आप यहाँ से कोई फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स दिए गए हैं, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर कलर, आप फॉन्ट का कलर भी चूज़ कर सकते हो। पहले तो हम फॉन्ट की साइज़ और उसे सेट कर देंगे, सेट हो गया। यहाँ पे फॉन्ट के कलर्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर और टेक्सचर्स भी दिए गए हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यहाँ पे सोर्स दिए गए हैं, यानी कि मैं यहाँ पे एक वाइस स्टोर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आउटर ग्लो दिख रहा है आपको, तो मैं इस इतना स्टोर दे दूँगा। यहाँ पे ओपेसिटी दी है, यानी कि आपके टेक्स्ट की ओपेसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आप ब्लेंड का ऑप्शन देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्क्रीन मल्टीप्लाई, डार्क, लाइटन, आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे शेडो का भी ऑप्शन है, शेडो का कलर चूज़ कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी ओपेसिटी और यहाँ पे कितना ब्लर रखना है उसकी शेडो को, ये
ये सब यहाँ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। यहाँ तक कि एक टेक्स्ट बैंक भी कर सकते हो आप, जैसे नॉर्मल फॉर्म में ला देता हूँ। तो ये सारे टेक्स्ट के टेक्स्ट हैं, ऐसे आपको टेक्स्ट ऐड करते जाना है। तो हमने यहाँ पे सारे टेक्स्ट सेट कर दिए हैं, उसे उन्हें इफेक्ट्स भी दे दिए हैं। तो अब हमें वो पिक्सार्ट के फॉन्ट वाला लोगो यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड इमेज पे भी जाके आप इमेज को ऐड कर सकते हैं और ऐड कर देना है। और यहाँ पे सेटिंग ये सेट कर देना है इसके अकॉर्डिंग, और इसकी साइज सेट कर देनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस वीडियो का थंबनेल यहाँ पे बनाया है, वो भी पिक्सार्ट में। आप इसे मोबाइल के थ्रू भी बना सकते हो और भी क्रिएटिव बना सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज और यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट, सो प्लीज़ टेल अस इन कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग विद अस। जय हिंद।